अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज जनाब हम आ गए हैं अख्तर अलहाज अख्तर रेस्टोरेंट और ये मेन नागन चौरंगी पे वाक़ है ये रेस्टोरेंट। और इस रेस्टोरेंट से पहले इनका जो है वो अगर आप यहाँ चल जाएँ तो यहाँ इनका मेन पकवान सेंटर है, अलहाज पकवान सेंटर एंड बिरयानी सेंटर। और ये इन्होंने फिर एक पूरा फुल फ्लेज रेस्टोरेंट फैमिली के लिए एयर कंडीशन बनाया है। ऊपर जो है वो इनके बैंकेट हॉल्स भी हैं, ये सामने तख्त का सेटअप भी है और चेयर्स और टेबल का भी आउटडोर सेटअप है। और ये इनके बारबेक्यू भी लगा हुआ है वो सामने, और ये इनकी देगें भी चढ़ी हुई हैं जनाब। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इस तरफ भी आउटडोर जो है वो लगा हुआ है सारा, चेयर टू टेबल्स। अच्छा, पार्किंग का ये कि काफ़ी जगह है पार्किंग की, ये सामने सारी पार्किंग है, आप आराम से जो है वो यहाँ अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। ये बाइक्स की पार्किंग है, यहाँ सारी बाइक्स लगी हुई हैं। बुकिंग ऑफिस इनका ये सामने, इसी यहाँ से आप बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो चलें जी अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर का सेटअप ही दिखाता हूँ। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, मेन नागन चौरंगी जो है उस पर मौजूद है, वो जो आप फ्लाई ये मेन नागन चौरंगी का फ्लाई ओवर है। चले जी आज अंदर चलते हैं। ये जनाब स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए, ये इन्होंने कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ है, इधर एक सेक्शन है और उधर भी एक सेक्शन है, नीचे प्रेयर्स का एरिया है। ये इनका इस तरफ का डाइनिंग हॉल है, ये इनका बुकिंग ऑफिस, वो देखें पार्टी सेटअप हुआ हुआ है वहाँ पे। ये इनका जूस बार और ऑर्डरिंग काउंटर, ये जनाब आप स्टेयर्स लेके फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो ऊपर इनके तीन हॉल हैं, ए बी और सी। और ये बड़ी अच्छी सी इन्होंने एक हॉल ये है एंड देन दो हॉल जो हैं यहाँ पे। तो डाइनिंग मेन एरिया इनका नीचे, ऊपर जो है वो पार्टी हॉल्स बर्थडे हॉल्स पर। ये आ गया है भाइयों मेन्यू अलहाज अख्तर रेस्टोरेंट का, और माशाल्लाह से ये आप ज़रा चेक करें, ये अच्छी खासी जो है ना ये एक पूरी किताब है, इसमें बहुत सारे बाप बांधे गए हैं। तो जना पहला बाप जो है वो खोलते हैं, ये सूप और स्टार्टर्स हैं। और ये पाकिस्तानी कुजीन है, कम से कम कोई 2 करोड़ खाने जो हैं इस मेन्यू के अंदर मौजूद हैं। ये पाकिस्तानी कंटिन्यू हो रहा है, यार आप कहेंगे कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन भाई मैं क्या कहूँ यार, मुझे हैरानगी होती है ये कढ़ाइयाँ आ रही हैं कि या तो इनकी
शेफ़ की जो टीम है उसमें कोई 200-250 शेफ मौजूद हों तो समझ आता है, एक शेफ पार्ट टाइम सब बना रहा हूँ यार मैं तो। खैर एनीवेज मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, आई नो ये इटालियन आ गया सारा। ये जनाब चाइनीज़ भाई, दुनिया की कोई रेसिपी जो है ना वो नहीं है जो यहाँ ना हो। बारबेक्यू चुल्लू भी है भाई, ये फास्ट फूड आ गया, जिंगर बर्गर सैंडविचेस फ्राइज रोल बीफ के चिकन के तंदूर पराठा वगैरह सलाद रायता बेवरेजेस हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड आइसक्रीम। ये जनाब इनकी डिफरेंट मील्स आ गई हैं। ये इनके पिज्ज़ास आ गए, पिज्ज़ा की मील्स आ गई, ये पिज्ज़ा और पास्ता आ गया, पास्ता कंटिन्यू हो रहा। ये अलहाज के स्पेशल पिज्ज़ा आ गए और ये स्पेशल पिज्ज़ा कंटिन्यू हो रहे हैं। ये सैंडविचेस सैलेड और बेवरेज, शुक्र है भाई ये मेन्यू ख़त्म हो गया। मैंने कहा पता नहीं भाई सिर्फ इस मेन्यू को पढ़ने के लिए दोबारा ना आना पड़े। चलिए जी ऑर्डर कर। ये आ गया है जनाब हमारा अलहाज अख्तर स्पेशल चाइनीज सूप, विच मींस के इसके अंदर चिकन भी है और इसके अंदर प्रॉन्स भी हैं और वेजिटेबल्स भी हैं और मशरूम्स भी हैं। तो इस पे पहले जनाब सॉसेस डाले बगैर जो है उसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। इसकी थिकनेस चेक करें, थिकनेस इज क्वाइट नॉर्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक बहुत कम है, मैं ज़रा इस पर मसालों के तड़के लगा लूँ यानी कि सॉसेस के, फिर ट्राई करते हैं। ये जनाब हमने इसमें तमाम सूप सॉसेस जो हैं वो सूप में डाल लिए, इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। ये स्प्रिंग अनियन है जो आपको एक ग्रीन नज़र आ रही है, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये श्रिम्स हैं, बिस्मिल्लाह। सूप तो इनका मुझे को खास नहीं लगा, इसकी यखनी में जायके की बहुत कमी है, यानी एक जो रिच ब्रॉथ बनती है, एक रिच यखनी बनती है जिससे फिर आप सूप बनाते हैं, उसकी मुझे कमी लग रही है। विद मशरूम और प्रॉन ट्राई करते हैं। बस सोसो है। ये आ गई जनाब फिंगर फ्राइड फिश, और साथ में आ गए जनाब फ्राइज और कोल्सलो। ट्राई करते हैं जनाब, बिस्मिल्लाह। फिश तो बहुत अच्छी, ऊपर से मैं देख रहा था मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा इन्होंने ना इसको ज़्यादा सर्व कर दिया,
बहुत अच्छी क्रंची है ऊपर से और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट नरम। मजे की है यार। बहुत उम्दा ये आइटम जो है, बहुत सुनेगा। ये आ गया है जनाब हमारा चाइनीज़ थाली, और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आप जो हैं वो मुख्तलिफ वैराइटीज़ जो हैं वो इसके अंदर आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है चिकन मंचूरियन, और फिर ये आ गया बीफ वेजिटेबल, और ये आई थिंक चिकन वेजिटेबल है, लेकिन इसमें मुझे वेजिटेबल्स जो हैं वो नज़र नहीं आ रही, मैं कंफर्म करता हूँ। और ये इनके चाइनीज़ फ्राइड राइस आ गए दो बाउल्स, एंड देन ये ब्रोस्ट जो है चिकन ब्रोस्ट आ गया, और उसके ऊपर जो है वो फ्राइज आ गए। और साथ में कोल्ड स्लो, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और ट्राई करते हैं। ये जनाब राइस निकाल ली हमने, चिकन मंचूरियन आ गई, बीफ वेजिटेबल, और ये जो है आई थिंक चिकन वेजिटेबल है, मैं इसे कंफर्म नहीं कर पाया, आई कंफर्म इट। चिकन वेजिटेबल तो इसमें नहीं मिल रही, और ये चिकन स्ट्रिप्स जो है ये सीम्स लाइक कि दे आर कोटेड सम फॉर्म ऑफ लाइट बैटर मे बी, एंड देन दे आर टॉस्ड इनटू द सॉस। चलें जी, ये बन गया है हमारा मिनी प्लेटर, और हम ट्राई करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारी आउटलेट्स में इसके सॉस को जो है ना बहुत ज़्यादा स्वीट कर देते हैं, यानी शक्कर का कंटेंट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, उनका बहुत मुनासिब मिठास है। मज़े का हम जनाब बीफ चिली ट्राई करते हैं। इसके अंदर कैप्सिकम भी है और ग्रीन चिलीज भी हैं, स्प्रिंग अनियन और ब्राउन अनियन,
गुड यार, बहुत सा मज़े का सेवरी सॉस और बीफ के ब्रॉथ की बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। ये जो है इसको ट्राई करता हूँ, इसका सॉस भी ज़रा येलो है। व्हाट काइंड ऑफ सॉस इज दिस? सॉस तो इसका जो है वो सेवरी है, यानी नमकीन है, सॉल्टी है, और ऑब्वियसली चिकन ब्रॉथ का टेस्ट है। इट्स वेरी मच सिमिलर टू चिकन वेजिटेबल बट विदाउट वेजिटेबल्स। ऐसा तो नहीं है वेजिटेबल डालना भूल गए। अच्छा जी, ये जो येलो वाला सॉस जो है इनका, दिस इज चिकन गार्लिक सॉस। अब अलमिया ये है कि गार्लिक का जायका जो है वो तो इसमें ऐसा नहीं है, सो इट्स लाइक चिकन ब्रॉथ और उसको थोड़ा सा थिकन किया हुआ है, एंड देन उसके अंदर जो है ये चिकन स्ट्रिप्स जो हैं, आप देखें इसको किसी लाइट बैटर में हल्का सा मे बी फ्राई किया है या पैन फ्राई किया है, वो करके इसके अंदर डाला है। अगर मैं इसका साग भी ट्राई करूँ, द पॉइंट इज कि देयर्स नो सरप्राइज हियर। मुझे पता चला कि चिकन गार्लिक अगर ये है तो ये एक नई डिश हुई जो मैंने आज तक नहीं खाई, बट इट्स प्रीटी मच लाइक चिकन वेजिटेबल बट विदाउट वेजिटेबल्स। ये आ गई है जनाब हमारी चिकन मखनी तड़का कढ़ाई। ये इनकी रिकमेंडेशन थी कि आप ये कढ़ाई जो है वो हमारी ज़रूर ट्राई करें, चिकन मखनी तड़का कढ़ाई। और जनाब इसको जो है वो ज़रा ट्राई करते हैं। ये जनाब हम ट्राई करेंगे गर्मा गर्म नान से, और बिस्मिल्लाह करते हैं, ज़रा चेक करें मसाला पहले, मसाला कैसे है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कढ़ाई वो मजे की है, इसके अंदर ना नींबू वाली खटास भी आ रही है, हरी मिर्चों का बहुत उम्दा खुशबू जाएगा, अदरक आया, अदरक का बड़ा उम्दा टेस्ट, और ये जो है ना खड़े मसाले की कढ़ाई लग रही है। रूखा ट्राई करूँ,
अच्छा स्पाइस मिक्स है, मैदा चटपटी। हाउएवर ये मुझे मक्खन नहीं लग रहा, ये तो तेल है। अब इन्होंने मक्खनी तड़का कढ़ाई बोली है तो मे भी इन्होंने ऊपर से हल्का सा मक्खन का तड़का लगाया हो, मैं कंफर्म करता हूँ।